ऐसा हरियर रोडवेज के एक और जबरदस्त ताजा तरीन और नेक्स्ट लेवल के धारावाहिक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना हरियर फुटपाथ से गिरने वाला था। भाई साहब हम आ चुके हैं चंडीगढ़ में सेक्टर 37 में मनु जी के ढाबे पे। यहां पे बहुत ही ज्यादा कमाल फूड मिलता है। बट भाई ये वीडियो में ना सिर्फ ये जगह नहीं और बहुत सारी जगह आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखना। एंड में मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसको जान के आप बोलोगे कि भाई हरियर तू कमाल है यार, आ जाओ। फिलहाल हम आ चुके हैं जी सेक्टर 37 में मनु जी के ढाबे पे, जहां पे बहुत ही कमाल आपको देसी खाना, हरियाणवी या पंजाबी खाना मिल जाएगा। नमस्कार। हेलो सर, कैसे हो? मैम एकदम बढ़िया, आप बताओ कैसे हो जी? बढ़िया सर। मैम थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। वेलकम सर। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कितना पुराना ढाबा है? ये साल 10 साल से पुराना है। 10 साल से ज्यादा पुराना है, क्या बात है जी। और मैम आप क्या करते हैं इसके पहले? मतलब मैंने सुना है कि आप एक रेसलर है, एक बॉडी बिल्डर है। सर एक्चुअली मैं एथलीट हूं, गेम करती हूं, पहले कबड्डी करती थी। अच्छा जी। अब किक बॉक्सिंग करती हूं। अच्छा जी। मैम थोड़ा मैं पीछे होके खड़ा होता हूं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, डरो मत आप। किसको डरना चाहिए? किसी को भी नहीं सर, मैं डराने के लिए थोड़ी सर, वो गेम है, ड्रा थोड़ी रहे हम किसी को, मोटिवेट कर रहे हैं हम तो। हाँ भाई कोई सीखे हमारे से, सीख मिले, साथ के साथ हम ढाबा चला रहे हैं, बच्चों का पेट पाल रहे हैं, हर किसी की मदद कर रहे हैं सर। 60 रुपए में भरपेट खाना कोई नहीं देता सर आज के टाइम। अगर यहाँ पे जितने भी लोग बैठते हैं ना, तो वो जितनी मर्जी रोटी खाए, जितना मर्जी चावल खाए, जो मर्जी खाए सर, जितनी मर्जी बार मतलब सब्जी डलवाए, आपको पता है किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाओ एक एक रोटी का हिसाब लेते हैं सर। और यहाँ पे जितने भी आते हैं मतलब वही है सर, मजबूर है, कोई दिहाड़ी पीट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, स्पेशल उनके लिए खोला है हमने, बस थोड़ा सा 2 रुपए बच जाए, वो अपने पेट के लिए यहाँ पे भाग के आए। बस इसीलिए सर भरपेट खाना कोई नहीं देता, 60 रुपए में तो कोई भी नहीं देगा। आप ऑल इंडिया घूम लो, कोई नहीं देगा आप लोगों को। 60 रुपए में आप अनलिमिटेड खाना दे रहे हैं? बिल्कुल सर। अनलिमिटेड मतलब जितना मर्जी खाओ, जितना मर्जी खाओ सर। दाल जितनी मर्जी, राइस जितने मर्जी, रोटी जितनी मर्जी। अरे वाह क्या बात है। तो मैम ये कॉन्सेप्ट कैसे कि चंडीगढ़ में 60 रुपए में? क्योंकि सर ये टाइम मेरे ऊपर बीत चुका है। जब 2014 में मैं इधर आई थी खाने के लिए, मेरे को भी मतलब ऐसा लगा था कहाँ बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे। अलग अलग रेस्टोरेंट में जाके भी देखा सर, स्टार्टिंग में 2014 से ही 150 रुपए थाली, 200 रुपए खाते भी 2 रोटी थी, क्योंकि पहलवान इतना खाना तो नहीं खाएगा, वो अपनी डाइट के अकॉर्डिंग ही खाएगा। उसके बाद ना मैंने सोचा, मैं यार ये तो गलत है, मतलब इतना अब ये लोग इतना यूपी से आए हुए, कोई बिहार से, कोई कहीं से है, अब यहाँ आके दिहाड़ी पीट रहे हैं सर, भरपेट खाना ना मिले फिर क्या फायदा। इसीलिए सर क्योंकि इस टाइम से मैं गुजर चुकी हूँ, मैंने भी धक्के खाए एक थाली के पीछे। 2014 में भी 60 रुपए में अनलिमिटेड खाना, उस टाइम पे 40 में था सर, 40 रुपए, 40 से स्टार्ट किया था हमने, फिर 50 के अब 60 है, 10 साल में हमने 20 रुपए ही बढ़ाए हैं। और मनु जी एक आपका जैसे स्टाइल है, जो अंदाज है, जैसे आपकी एक पूरी आर्म टैटू से भरी हुई है। हाँ जी सर, मैं किक बॉक्सिंग करती हूँ, एक्चुअली यूएफसी में जाना चाहती थी मैं। अरे वाह, बिल्कुल सर जी। और रोमन रिंग्स का मैंने टैटू देखा था, तब से जुनून आया कि भाई टैटू तो बनवाना पड़ेगा। अब अलग सी लुक एक लड़की की देखते हैं, एथलीट की, दो लोग दूर से ही देख के डर जाते हैं ना भाई, इससे पंगा नहीं लेना। जी जी जी। वैसे भी सर कोई पंगा लेता नहीं है, शक्ल देख के नहीं लेता, वह हरियाणा के हैं। बिल्कुल। तो आप हरियाणा में कहाँ से हैं? हरियाणा सोनीपत से। सोनीपत से? हाँ जी सर। वाह बहुत बढ़िया। तो आपने मतलब वही खाना खा के आप बड़े हुए हैं जो अभी आप लोगों को खिला रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल, यही हम भी प्रैक्टिस करके यही खाना खाते हैं सर। वाह वाह। बिल्कुल सबके सामने बीच में बैठ के ही खाना खाते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी स्पेशल खाना बनता नहीं। जी जी जी। एनी टाइम कभी मर्जी आके देख लेना सर, हम यही खाना खाते हैं। जैसे आप बैठ के यहाँ पे खाना खा रहे हैं वैसे ही आप लोगों को खिला रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, जैसे पंगत वाली बात है। एक एक रोटी की कीमत लगाई जाती है इधर। अगर हम राइस भी लेते हैं ना, उसका भी मतलब एक्स्ट्रा होगा, अगर सब्जी थोड़ी सी भी ले ली उसका भी एक्स्ट्रा होता है। पर यहाँ पे जितनी मर्जी सब्जी खाओ आप, रोटी खाओ, जितनी मर्जी भरपेट खा के जाओ, 60 रुपए थाली। जी यहाँ पे खाने में होता क्या क्या है सर? एक सब्जी हम डेली चेंज करके बनाते हैं, कभी मिक्स वेज बना देते हैं, आलू बड़ी बना देते हैं, मतलब एक सब्जी अलग होती है, ये चने हो गए, व्हाइट चने हो जाते हैं। एक बार ये दिखाइए चने। जी सर, ये लो सर। वाह 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 वाह। इसमें मैम आपने कलौंजी डाल रखी है? हाँ जी सर, ये हमारा देसी मसाला, ये कूट के ही बनाते हैं, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ बाहर के मसाले यूज नहीं करते सर। जी जी जी। हाँ जी सर, ये हमारी दाल है। ये है जी इधर दाल। और भाई साहब दाल नहीं है ये तो कमाल है, देखो एकदम बढ़िया माँ की दाल है और साथ में राजमा है सर। जी जी। और ये कड़ी पकौड़ा है जी, ये इधर है जी, बढ़िया जबरदस्त कड़ी और साथ में पकौड़ा। हाँ जी सर। इसके साथ ब्रेड्स और राइस वगैरह में क्या होता है? अगर किसी को राइस खाने हैं तो राइस खा लो जी, मतलब कड़ी चावल खा लो या राजमा खा लो, कुछ भी खा लो सर। मतलब राइस भी है, रोटी भी है, सारा कुछ है। ये चावल है हमारे, ऐसे भी नहीं है कि हाँ बासमती चावल बनाते हैं। जी 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 जी। तो ये बासमती चावल है बढ़िया वाले, स्टीम करे हुए हैं, और इसके साथ तंदूरी रोटियां भी है, तवे वाली रोटियां भी है? नहीं सर, तो तवे वाली रोटी नहीं है, तंदूरी। अब तो वे वाली खा के लोगों के इतने पेट आ चुके, ये तंदूरी खाओ, देसी खाना, गांव में चूल्हे पे ही बनते थे, वही चीज है सर ये। बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा कमाल। तो मैम यहाँ पे एक बार लोकेशन एग्जैक्ट बता दीजिए और टाइमिंग्स बता दीजिए। चंडीगढ़ सेक्टर 37
पार्ट सी में है और बीट बॉक्स के पास में है सर जी। टाइमिंग है सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे। बहुत बढ़िया। और आपको एक बार जी, अच्छा सुबह पराठे भी होते हैं? हाँ जी सर, सुबह पराठे होते हैं 7 बजे से लेकर 12 बजे तक। बीच में 1 घंटे का ब्रेक देते हैं 4 से 5, फिर हमारा डिनर स्टार्ट। डिनर भी है? हाँ जी। और है सारा वेजिटेरियन? बिल्कुल वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन। बढ़िया। और भाई साहब एक बार ढाबा जो है आप पहचान भी लो, जगह भी देख लो, ये जगह है जी ढाबा, ऐसा कुछ लगता है। और यहाँ पे आके आप मनु जी के पास आके यहाँ पे ये थाली एंजॉय करो, आप बोलोगे भाई साहब जबरदस्त लोकेशन ढूंढी है, हम भी एक थाली जो है वो लगवाते हैं और खाते हैं। बिल्कुल, एक नहीं दो खा के जाओ सर। नहीं मैम एक ही खाएंगे जी सर, दो हम एक ही अनलिमिटेड है तो उसको बार बार डलवाएंगे ना भाई साहब। ये आज का हमारा स्वाद बटांदरा। पहले तो प्लेट देखो कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है, धूप में ना सब कुछ बहुत सुंदर लगता है। सबसे पहले तो तंदूरी रोटी की बाइट जो है वो तोड़ते हैं। मैं ना कढ़ी ट्राई करूंगा क्योंकि आपको तो पता ही है कि कढ़ी हमारा पीछा छोड़ती नहीं है और हम इसका पीछा नहीं छोड़ते। मुंह में फुल ऑन पानी आ रहा है। हियर भाई साहब आप यहाँ पे जब भी आओगे ना आपको यहाँ पे फुल भीड़ फुल लोगों का रश मिलेगा, बट तब भी खाना मिलेगा और 60 रुपए में अनलिमिटेड मिलेगा। हियर इज बाइट। भैया हंसी वाला था, मजा आया। ये जो रिएक्शन है ना भाई, मैं आपके साथ कम्युनिकेट करता हूँ बट जो साथ में जो लोग होते हैं उनके लिए ऑकवर्ड हो जाता है। मुझे भी पता भाई साहब ये हो जाता है, बट अब 6-7 साल हो गए, आदत हो गई है भाई करने की। बाकी में कढ़ी बहुत स्वाद है और जो क्वालिटी है, जो इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी है ना, वो आपको पहली बाइट से पता चल जाएगी। अच्छी गेहूं का जो आटा है उसकी रोटी बनाई हुई है और कढ़ी एकदम ज़बरदस्त है। जबरदस्त यहाँ पे वाइब है एकदम देसी वाली। और यहाँ पे मनु जी के पास आप आते हो 60 रुपए और अगर आप अपनी निब्बी के साथ आते हो, अपने निब्बे के साथ आते हो तो 120 रुपए लेके आना, अनलिमिटेड खाना और फिर उसके बाद पेट भर के यहाँ से चले जाना चंडीगढ़ घूमना। कहीं पे भी आना जाना कोई चक्कर नहीं है, आराम से आओ यहाँ पे घूमो फिरो। आप बोलोगे हरिया भाई तू कमाल है। जेनी जी नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल चाल है मैम? मैम एकदम बढ़िया जी, थैंक यू सो मच आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, मैंने सुना आप सेंट्रल गवर्नमेंट के टीचर हैं आप? अरे वाह, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के टीचर अभी स्टॉल लगा रहे हैं, तो मैम मुझे एक चीज बताइए आप कहाँ से हैं और कैसे ये आपका जो स्टोरी है वो स्ट्रीट फूड तक पहुँची? ये मेरा शौक है और इसलिए मैं मतलब उसको छोड़ के मैं इधर आ गई। अच्छा, ये सब करने लगी, कुकिंग का शौक था मुझे। सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी स्कूल में टीचर हैं और वो आपने छोड़ा और यहाँ पे अब आप खाना खिला रहे हैं? हाँ जी सर। क्या बात है। तो हम क्या क्या बेचते हैं यहाँ पे? सर यहाँ पे मूंग दाल चिल्ला होगा, इडली होगी, मूंग दाल, मल्टीग्रेन, बीट रूट, स्पिनच, चारकोल, स्टब, बहुत सारी वैरायटियां होंगी। तो आपने सीखा कहाँ से मैम? सर ये लॉकडाउन में मैं सीखी। अच्छा लॉकडाउन में सीखा है, क्या बात है। तो आप लखनऊ से है ना? यस सर। मैम लखनऊ में जब भी, मैं 2 बार गया हूँ लखनऊ और जब भी गया हूँ लखनऊ मेरे लिए बहुत ज्यादा लकी है। मैं जब भी गया हूँ तो बहुत ज्यादा प्यार वहाँ से मिलता है। और आप वहाँ से यहाँ जीरकपुर पंजाब में आ गए, तो शादी करके आए? जी उसके सर पहले आ नहीं, उसके पहले नहीं, शादी तो मैं वहीं पे हुई थी, मैं आ गई यहाँ पे। अच्छा, अभी शिफ्ट हो गई बच्चे के बाद ही। अच्छा, हाँ जी सर। अरे वाह बहुत बढ़िया। तो मैम अभी दिखाइए चीला कैसे बनाने वाले हैं आप। तो ये बैटर में क्या क्या है? सर मूंग दाल है, बस राइस है थोड़ा सा। अच्छा, बस ग्राइंड करके ओवरनाइट। मूंग दाल और राइस है भाई साहब और इसके अंदर ये नमक आ गया है, नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके और फिर बनाते हैं। इधर मैम का जो मेन्यू है वो यहाँ पे है। और मैम यहाँ पे आपकी क्या लोकेशन है? सर जीरकपुर VIP रोड केनरा बैंक। अच्छा जी, केनरा बैंक के एकदम बगल में है। केनरा बैंक इधर है और इधर मैम जो है उन्होंने अपनी स्टॉल को पार्क किया हुआ है। और भाई साहब ये देखो क्या जबरदस्त वाला चीला जो है वो बना रहे हैं। मैम ये बटर में बनाते हैं आप? हाँ जी सर। बहुत बढ़िया। और मैम जो ये स्टीमर रखा हुआ है उसमें मोमोज भी हैं? हाँ जी सर, मोमोज है, थाई मोमोज है, बहुत ही यूनिक, शायद ही चंडीगढ़ पे मिलता है बट यहाँ पे कहीं पे नहीं मिलेगा। आप दिखाएंगे कि उसमें क्या डिफरेंस होता है? जो मोमोज है वो भाई ये तो येलो कलर का लग रहा है, एक बार निकाल के प्लीज दिखा दीजिए। येलो कलर का मोमो है, थाई मोमोज है मैम बता रहे हैं। और ये वाला मोमो सिर्फ मैम चंडीगढ़ में। अच्छा ये तो बंस लग रहे हैं, वाह ये तो वाव बंस जैसे लग रहे हैं। जी सर। क्या बात है मैम, इसमें स्टफिंग किस चीज की है? सर वेजिटेबल, चीज, कॉर्न, पनीर। वेजिटेबल, चीज, कॉर्न और पनीर की स्टफिंग है। और इसके अलावा मैम और क्या क्या होता है? सर स्पाइरल पोटैटो होगा। अच्छा हाँ जी सर। जी जी जी। मोमोज, चीज मोमोज होगा मेनली, मोमोज और जैसे ये सब चीजें ज्यादा है। जीरकपुर जो है वो थोड़ा यहाँ पे बच्चे लोग या जो जॉब करने वाले लोग ज्यादा है, इसलिए आप उनके हिसाब से बनाते हैं। हाँ जी सर। देखो भाई ये चीला के ऊपर
ये प्याज और टमाटर आ चुके हैं। मैम आपने जैसे बताया कि आप अपने बच्चे के लिए यहाँ पे मूव हुए। हाँ जी सर, मैं ना उसको मतलब ये सारी चीजें जब वो मैं प्रेग्नेंट थी ना तब मैं उसके लिए ये वो करती थी, बनाती थी इडली वगैरह। लॉकडाउन भी था और फिर उसे बहुत पसंद है कलरफुल इडली, तो मैं उसके लिए बनाती हूँ। मेरी 2 ईयर ओल्ड डॉटर है। अरे वाह, उनका नाम क्या है? उसी का नाम जेनी है सर। अरे वाह, तो जेनी उसका नाम है, मुझे लगा शायद जेनी आपका नाम है। नहीं सर, मेरी डॉटर का सर, मेरा नाम रोजी है। रोजी? अरे वाह, तो रोजी जी जेनी जी के नाम पे यहाँ पे बहुत ही बढ़िया स्टॉल चला रहे हैं। और उनको शौक था या उनका जैसे आप बोल लो कि उनको पसंद है ये सब चीजें, तो हाँ आपने उनके लिए शुरू किया है? हाँ जी सर। वाह क्या बात है, ये मसाला वगैरह सब डाल के, टमाटर डाल के बढ़िया वाला चीला मैम बना रहे हैं। हम ये सीजर से काट रहे हैं हरी मिर्च। हाँ जी सर, ये सही है, शॉर्टकट है ना। हाँ अच्छा है, इजी है। और ये ऊपर और भर भर के मक्खन, ये चीला नहीं है भाई साहब, ये तो मूंगलेट ही बना दी है पूरी। और बढ़िया सर, रेस्टोरेंट ओपन करने का हाल ही में मैंने अभी लिया हुआ है, वो वीआईपी स्ट्रीट के अंदर ही लिया हुआ है। अच्छा, शॉप मैं अभी 15 डेज शिफ्ट भी हो जाऊंगी वहाँ पे। जी जी जी, तो आप वहाँ का एड्रेस मुझे जरूर आप वो भी बता दीजिए। हाँ कहाँ पे है? केसरी प्लाजा है, वहीं पे है। अच्छा, केसरी प्लाजा के 3-4 शॉप छोड़ के है। और उस दुकान का नाम भी जेनीज किचन है। हाँ जी सर। बहुत बढ़िया मैम, तो अगर किसी को वहाँ पे आपके आके मिलना हो तो अब आपका वो वाला एड्रेस भी पता है। चीला जो है वो तकरीबन बन के तैयार है और यहाँ पे रोजी जी जो है वो जेनीज किचन के नाम से चीला बनाते हैं और लोगों को खिलाते हैं। आप यहाँ पे आके ट्राई करो भाई साहब, हम तो अभी ट्राई करने वाले। ग्रीन चटनी है सर, कोरिएंडर टोमेटो और चिली की है सर। अच्छा, कोरिएंडर टोमेटो और चिली। हाँ जी सर, इसके साथ आप कोकोनट चटनी भी ले सकते हैं। भाई साहब नारियल चटनी, हमें तो डोसे वाली वाइब हो गई पूरी। थोड़ा सा लोग पसंद करते हैं तो मैं दे देती हूँ। जी जी जी, ये देखिए ये चटनियों की प्लेट हो गई है और इसके साथ अभी ये चीला आने वाला है। बहुत कमाल लग रहा है भाई साहब चीला, अभी ट्राई करते हैं। और मैम यहाँ पे आपकी टाइमिंग्स क्या है? सर 6 o'clock सुबह, शाम को 6 बजे से शाम को 10:30 तक, रात को 10:30 बजे तक। ठीक है जी, ये चीला ये हो गया फ्लिप होने वाला है। अरे ये तो फोल्ड हो गया, क्या बात है मैम, ये रेडी है? हाँ जी सर। तो आप इसको फ्लिप करते ही नहीं है? नो सर, बस ऐसे ही मैं करके करती हूँ। वाह वाह वाह, और ये आपने लॉकडाउन में सीखा है? ये तो मैं बहुत टाइम से शायद बना रही हूँ। अच्छा, चीला आप पहले से बना रहे हैं? इडली मैंने सीखी लॉकडाउन से। अच्छा अच्छा मैम, इडली बनी हुई है? हाँ जी सर। पर वो भी दिखा देंगे? हाँ जी। अच्छा, इडली वाला और मोमोज वाला स्टीमर सेम है? वो देखो भाई, इडली भी एकदम पाइपिंग हॉट आपको यहाँ पे मिलेगी। और भी मैं दिखा सकती हूँ, ये बीटरूट, ये है वो कलर वाली इडली जो आपके बच्चे को बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ जी सर। जी जी जी, भाई साहब इधर देखो, ये इडली पाइपिंग हॉट, गर्मा गर्म इडली। मैम ये रवा वाली बीच में? नहीं सर, मल्टीग्रेन है। मल्टीग्रेन इडली है? हाँ जी सर। तो अब अगर आप डाइट कॉन्शियस हो और हेल्दी फूड खाना चाहते हो, जीरकपुर में हो, तो भाई साहब इत्तेफाक बना दिया हमने, आप यहाँ पे आ जाओ। मैम वो बाकी कंटेनर्स में क्या रखा हुआ है? सर इसमें भी मूंग दाल है, प्लेन है, ऐसी है, ये मूंग दाल। ओ, ये मूंग दाल की इडली। वाह क्या बात है मैम, आपने तो बहुत कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। और इसके अलावा क्या है जी? वो लास्ट कंटेनर में क्या है? सर इडली है। अच्छा, वही मैंने डाली हुई है। जी जी, कर दी है। बहुत बढ़िया, तो मैम ये चीला जो है आप प्लीज सर्व कर दीजिए, ये तो हम अभी ही ट्राई करने वाले हैं। बहुत ज्यादा कमाल लग रहा है, एकदम बढ़िया ब्राउन हो गया है। अरे वाह, ये चीला तैयार और साथ में चटनियाँ। और मैम इसका क्या प्राइस है? सर 70 रुपीज। 70 रुपीज, और जो आपके यहाँ के जो सबसे सस्ती आइटम है वो कितने की है? सर 60 रुपीज। 60 रुपीज, और सबसे महंगी वाली? सर महंगी 130। तो 60 रुपीज से लेके 130 रुपीज तक का खाना है जी यहाँ पे, आप आके मैम के पास ट्राई करो, हम तो ये ट्राई करने वाले भाई साहब। स्वाद बटांदरा करते हैं एकदम बढ़िया वाला। ये देखो, सबसे पहले तो चीला देखो यार, मूंग दाल का चीला ऐसे बढ़िया बना हुआ मिल जाए और वो भी वाइब एकदम घर जैसी, तो इससे बेहतर और क्या चाहिए। एक बढ़िया सी यहाँ से बाइट लेते हैं, इसको डिप करते हैं नारियल चटनी में। आज नारियल चटनी के साथ चीला खाएगा आपका अपना हरिया। आजकल मूंग दाल चीला वैसे भी इंस्टाग्राम वगैरह पे बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि भाई साहब बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। अगर आपको शाम का स्नैक चाहिए, बर्गर पिज्ज़ा ये नहीं खाने हैं, तो यार चीला आके ट्राई करो, वैसे ही बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और यहाँ पे अगर आप आके खाओगे तो मैम का एक्सपीरियंस है, मैम का एक्सपर्टीज़ है, आपको बहुत ही बढ़िया वाला चीला यहाँ पे खिलाएंगे। कमाल टेस्ट है, नारियल की चटनी का कॉम्बिनेशन और भी ज़्यादा बढ़िया है।
आप यहाँ पे आके ट्राई करो, हम आगे चलते हैं। चंडीगढ़ में जीरकपुर में हम आए हैं पाजी के पास। पाजी यहाँ पे सबवे वाले सैंडविचेस सबमरीन बना रहे हो आप? ऑन द स्ट्रीट वी आर मेकिंग 6 इंचेस सबमरीन्स। 6 इंचेस सबमरीन्स पाजी, थोड़ा एक्शन जेड़ा कंपनी है। वेयर आर यू फ्रॉम? आई वर्कड इन लंदन लाइक अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 years। 5 to 6 years यू वर इन लंदन एंड उठो पाजी एक्शन चक के ले आए हो नाल सबमरीन सैंडविचेस। सबमरीन सैंडविचेस, दिस इज अ मल्टीग्रेन होल व्हीट सब, दीस आर माय बेस्ट सेलर्स। अच्छा जी, मतलब लोग जो है आपके पास ये सैंडविचेस खाने आते हैं ये वाले? Yeah, this is my, or this jada hega like veggie crunch is my best seller. I'm giving chicken as well. अच्छा, non veg भी है, veg भी है? Yeah. तो बाजी ये मतलब submarine sandwiches ये सीखे कहाँ से आपने? लंदन में आप क्या करते थे? मैं होते I worked over there in like in American and Italian in main kitchen. अच्छा जी, आप chef हैं वहाँ पे? Yeah, मैं chef से गया था, JW Marriott I worked in. जी जी जी, तो बाजी फिर इतनी बढ़िया रंगीली लाइफ छोड़ के यहाँ पंचकुला के जीरकपुर कैसे आ गए? बस जीरकपुर सीखा कि just I want to like I worked in Delhi itself. अच्छा जी, in a cloud kitchen as well. अच्छा जी, for the hotel as well. अरे वाह, क्या बात है बाजी, मतलब too many accolades to your. बस ऐसे सीखा कि I want to open my own outlet, not a big one, but just like a small one, but with a good quality and reach and everything with a good and hygiene standard right, and each right. and everything. You wanted to be your own boss, huh? Yeah, exactly. क्या बात है भाई। और अभी देखो यहाँ पे अभी इनके पास जो setup है ना, यहाँ पे सैंडविचेस भी है, पिज्जास भी है, गार्लिक ब्रेड भी है, बर्गर्स भी हैं, और पाजी मतलब पूरा आपने ताम झाम जो है सब्बे वाला लगा रखा है। इधर पाजी क्या करने वाले हो? बस I'm now I'm grilling it. पाजी हिंदी पंजाबी में आ जाओ, कोई बात नहीं, अब हिंदी पंजाबी में आ जाओ, पंजाबी में आ जाओ, कोई नहीं कोई नहीं। अब इसको मैं ग्रिल कर रहा हूँ थोड़ा सा, इसको टोस्ट करके लाइक टू गिव अ गुड थोड़ा सा अच्छा कलर, राइट? तो ये आप बॉन वाले जो मल्टीग्रेन सब्स या जी 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 वो यूज कर रहे हो, और उसको भाई साहब अच्छे से मक्खन लगा के ग्रिल करके इसके ऊपर बढ़िया वाला चार का कलर आने के बाद भाजी क्या कर रहे हो? अब मैं ये मेरा अपना सैलेड है। अच्छा, इसमें कैरेट्स एंड कैबेज का कोल स्लो यू कैन से जी 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 राइट, कोल स्लो है? या अरे वाह क्या बात है। मेयोनीज आई एम यूजिंग, इट्स वीबा वन एगलेस। एगलेस? अच्छा जी, एगलेस मेयोनीज है वीबा। तो भाजी अगर चिकन वाला खाना हो तब भी एगलेस है? या क्या बात है, जबरदस्त। Then that I use the steam chicken, काली मिर्च चिकन I use. अरे वाह, क्या बात है। The मतलब difference is कि उसमें पैटी, ये वेजी सुप्रीम वाली पैटी है मेरी, जो मेरा बर्गर वेज सेलर है, जी जी वेज सेलर है, उसमें ये है, ये मेरी ये देखो वेजी सुप्रीम वाली पैटी, पीछे से ग्रिल इसको अच्छे से फ्राई करके और ये निकाल रहे हैं, और अभी इसको थोड़ा सा टिश्यू के अंदर इसका जो आफ्टर शावर जो टॉवल है वो लगाएंगे। अब उसका जो सेकंड वाला जो नीचे वाला मतलब एक साइड जो है वो हो चुकी है, दूसरी साइड की बारी है, इसको अच्छे से ग्रिल कर दिया जाएगा। और यहाँ पे ना बड़ा सुंदर सा आपने जैसे एक शैक होता है ना गोवा में, उस तरीके का कैफे आपने खोला हुआ है, बड़ा सुंदर लग रहा है, बड़ी अच्छी वाइब है। तो आई एम यूजिंग नाउ, अभी मैं इसमें साउथ वेस्ट डाल रहा हूँ। एक मिनट पाजी, मैं सामने से दिखाता हूँ। मैं साउथ वेस्ट में डाल रहा हूँ इसमें सबसे पहले तो साउथ वेस्ट, और यू कैन से चिपोटले, राइट? हाँ जी, साउथ वेस्ट और यू कैन से चिपोटले कुछ किया हुआ है इसमें मैंने, मिक्स अप ना, इसमें प्योर चिपोटले नहीं है इसमें, आपने कुछ अपने एडिशंस, कुछ अपने एडिशंस किए हुए मैंने। दैट इज अ सॉस आई यूज इन वेजी सुप्रीम बर्गर व्हिच इज माय बेस्ट सेलर, राइट? अच्छा, क्या बात है यार, जबरदस्त। तो भाई साहब ये देखो बाजी ने दोनों तरफ से ब्रेड जो उनको अच्छे से टोस्ट कर लिया है। अब नाउ आई एम यूजिंग दिस, में इसमें कॉस लेटस ऐड करूंगा। या क्या बात है भाजी, जबरदस्त। आमतौर पे तो स्ट्रीट्स पे कैबेज मिल रही है? नहीं 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 नहीं, कैबेज का तो फिर थोड़ा जिगरा खुला रखो। जी 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 जी, तो तभी तभी बात बनेगी, फिर पत्ता गोभी खा के थोड़ी गांठ बननी है। ये हो गया सैलेड्स आगे, एंड नाउ नेक्स्ट स्टेप इज कि इसमें अब जो ये सैलेड बनाया ना हमने, अब इसमें हम ये ऐड करेंगे, राइट? भाजी कोल्सलो रेडी है? रेडी है। अब कोल्सलो आएगा इसके अंदर, ये जो लेयर्स है ना इसके अंदर, इसका बेड आई कैन से, जी जी जी, ठीक है ना, लेटस का बेड बना के इसमें हम लेटस ऐड, राइट? अब इसमें थोड़े से चॉप्ड अनियंस, प्याज एंड लेटस एंड कोल्सलो, भाई साहब पूरा लोडेड ये सब बन रहा है। एंड थोड़ी सी अब कैप्सिकम जो हमने पैटीज बनाई है ना, जी, अब ये इसके ऊपर। ओ भाई, पैटीज को तो इन्होंने ये छोटे टुकड़े कर दिए इसके, अभी ऐसे करके, और ये यू कैन गेट ईच एंड इन एवरी बाइट, हर बाइट में आपको। पाजी एक मिनट, ये दोबारा से दूसरी वाली ना मैं इधर से दिखाता हूँ, ये आप दिखाओ, ये पाजी ने चिथड़े कर दिए लिटरली इसके करके, और इसके बाद इसको आपने पूरा स्प्रेड कर देना, राइट? क्या बात है, क्या बात है। ये तीसरी वाली पैटी भी आ गई है, ये तीसरी वाली पैटी, अब इसके अंदर अब जाएगा एगलेस मेयो। एगलेस मेयो वन मोर टाइम, या मिंट मेयो? मिंट मेयो भी है? या पाजी क्या बात कर दी। ये पाजी कहाँ से आपने सोर्स किया? बस ये अपना सीख, अपना बस कुछ लगाया, उसके बाद एक और स्वीट चिली। स्वीट चिली भी है? वाह वाह वाह, ताकि आपकी तो ग्रोसरी शॉपिंग लिस्ट बहुत लंबी होगी, बहुत ज्यादा। उसके बाद अभी भी नहीं है, अभी भी उसके बाद पेरी पेरी मसाला, इसके बाद पेरी पेरी मसाला भी है। वाह, ठीक है, नाउ इट्स रेडी। और पाजी ये सबमरीन सैंडविचेस रेडी हैं? या ये
वाह। और भाजी इसका क्या प्राइस है? दिस इज फॉर 130 में। या भाई साहब 130 में सबमरीन सैंडविच। आप इधर से आगे कर लो बेशक, आप इधर से कर लो। वो भी इतनी बढ़िया इंग्रेडिएंट्स और सॉसेस वाले। भाजी ये खाने के लिए कहाँ आना है? ये आपको जीरकपुर केसरी प्लाजा मार्केट जी VIP रोड अर्बन फूडी। और भाजी टाइमिंग्स? टाइमिंग्स इज 4 to 11:30। भाजी 4 बजे पूरे आ जाओगे? पक्की बात है? 3 बजे आ जाएंगे। 3 बजे आ जाएंगे। सही है। थैंक यू सो मच भाजी। ओके वेलकम। एंजॉय करते हैं हम। हाँ जी, हाँ जी, डेफिनेटली। सबसे पहले तो वही वाली बात है कि यार सबमरीन सैंडविचेस और वो भी मतलब ऐसे वाले स्ट्रीट्स में मिलना बहुत ही बड़ी बात है यार, कमाल की बात है। और यहाँ पे ना वाइब चेक करो आप, इधर ये वाइब है पूरी भाई, ऐसा लग रहा है लिटरली गोवा में किसी शैक पे बैठे हैं। उस तरफ बस बीच नहीं है, बाकी सारा कुछ है भाई, माहौल वही वाला है। नहीं पंजाबी भी अच्छी है, पंजाबी भी आए हुए हैं भाई साहब। एक बाइट ट्राई करते हैं। श्योर इस बाइट भाई साहब, पाजी ने जो सॉसेज इतनी सारी ग्रोसरी स्टोर से लाई है ना, उनका कॉम्बिनेशन इन वेजीज के साथ और जिस तरीके से एकदम साफ सुथरे तरीके से भाजी खिला रहे हैं, मेरे हिसाब से ऐसी चीज आपको कहीं और मिल ही नहीं सकती इस एरिया में। ये वाला यहाँ पे आके ट्राई जरूर करना, आप डेफिनेटली बोलोगे हरिया भाई तो कमाल है।